రాధి కృష్ణ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆల్రౌండర్ ఉత్తరాఖండి. ఆజ్ మే ఆప్కే సామనే ఏక్ బ్లూ కలర్ కే లెహంగే కా రివ్యూ కరుంగీ జో కి మైనే జోమ్సో సే మంగాయా హై. తో చలియే దేఖ్తే హై ఇస్కా రివ్యూ. लहंगा मैंने जोमसो साइट से मंगाया है और जोमसो साइट में रिटर्न पॉलिसी भी बहुत ही इजी है. ये लहंगा डार्क ब्लू कलर का है और इस लहंगे की प्राइस 2390 रुपीज़ है. लहंगा बहुत ही प्यारा है. लहंगे की पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई थी. मुझे इस पैकिंग में लहंगा विद कैन कैन, दुपट्टा और चोली का फैब्रिक, ये तीन चीज़ें रिसीव हुई हैं. चलिए बात करते पहले लहंगे की. तो आप लहंगे को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लहंगा है और मुझे ये लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया. लहंगे का लुक काफ़ी अच्छा है. लहंगे के सबसे नीचे जो बॉर्डर दे रखा है ये प्लेन ब्लू कलर का है, उसके ऊपर डार्क ब्लू कलर का लहंगा है जो कि टफेटा सिल्क फैब्रिक का है. लहंगा दिखने में हैवी है और कैन कैन के कारण इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है. इसमें गोल्डन कलर और सिल्वर कलर, दो कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और एम्ब्रॉयडरी काफ़ी सुंदर हो रखी है. मुझे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगी. एम्ब्रॉयडरी का जो डिजाइन है वो भी बहुत ही प्यारा है. ये जो टफेटा सिल्क है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और गोल्डन कलर और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. आप देखिए लहंगे के सबसे नीचे इस तरह का डिज़ाइन है, काफ़ी भरा हुआ डिज़ाइन है. मिडल में थोड़ा ब्रॉड डिज़ाइन बना हुआ है और सबसे ऊपर बहुत ही भरी हुई एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क भी हो रखा है. तो आप क्लोथ से देखिए ये सीक्वेंस वर्क दिखेगा आपको. तो लहंगे का पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कर रखा है इन्होंने, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी की बात करें चाहे वो कलर की बात करें, तो सब कुछ ही बहुत ही अच्छा है इस लहंगे में. मुझे लहंगा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया. ये लहंगा सेमी स्टिच्ड है, एक साइड सिला हुआ है और एक साइड आपको सिलाना पड़ेगा. अंदर इसके लाइनिंग लगी हुई है नेवी ब्लू कलर की. सबसे नीचे आप इसमें कैन कैन देख सकते हैं, जो हार्ट कैन कैन है वो लग रखा है और जो लाइनिंग का फैब्रिक है ये सेटिन है और इसकी क्वालिटी भी इन्होंने बहुत अच्छी दे रखी है. इसके साथ ही थोड़े ऊपर में ये ऑर्गेंजा फैब्रिक का कैन कैन लगा है जो नेट टाइप का है और ये भी हार्ड है. तो आपको दो लेयर मिल जाएगी कैन कैन की, एक सबसे नीचे बॉर्डर पे और एक थोड़े ऊपर. तो इस कारण से जो लहंगे का लुक है बहुत ही अच्छा आ रहा है और लहंगा बहुत ही फुला फुला लग रहा है. लहंगे के बैक साइड भी वैसे ही एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जैसे कि फ्रंट में हो रखी है. अब बात करते हैं इसके फ्लेयर की. तो इस लहंगे का फ्लेयर अगर इंच में देखें तो टोटल 148 इंच है और अगर मीटर में देखें तो 3.75 मीटर है, यानी 3.5 मीटर से ज़्यादा इसका फ्लेयर है. इस लहंगे की लेंथ इन्होंने 44 इंच दे रखे, तो आराम से 5.5 इंच तक की गर्ल्स को ये आ जाएगा. और वेस्ट इन्होंने इसकी 45 इंच दे रखी है, तो 45 इंच तक की वेस्ट वालों को ये लहंगा ईजिली आएगा. ये इस लहंगे का दुपट्टा है और इसका फैब्रिक नेट है. नेट की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट नेट है इसका फैब्रिक और इसका दुपट्टा भी नेवी ब्लू कलर का है. आप इस लहंगे में देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर का बॉर्डर दे रखा है और गोल्डन और सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है. इस दुपट्टे की लेंथ 2.31 मीटर है, यानी 2.25 मीटर से ज़्यादा है. काफ़ी अच्छी लेंथ है और इस पूरे दुपट्टे में ये देखिए इस तरह का गोल्डन वर्क हो रखा है जगह जगह, तो बीच बीच में इसमें गोल्डन वर्क भी हो रखा है. तो पूरा दुपट्टा बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया और इसका बॉर्डर भी अच्छा है, साथ ही साथ इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी दे रखी है. अब बात करते हैं ब्लाउज पीस की. तो इस लहंगे का ब्लाउज देख सकते हैं आप कितना सुंदर है.
ये ब्लाउज पीस का फ्रंट पोर्शन है जो कि पूरा भरा हुआ है, पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है गोल्डन कलर की और सिल्वर कलर की, और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सुंदर लग रही है। आप चाहें तो इस लहंगे के साथ गोल्डन कलर या सिल्वर कलर का ब्लाउज भी पहन सकते हैं। मैंने अभी सिल्वर कलर का ब्लाउज पहना था इस लहंगे के साथ, आपने देखा था स्टार्टिंग में 2390 रुपीज़ में। तो ये लहंगा बहुत ही प्यारा है और इसका चोली भी अच्छी है, दुपट्टा भी अच्छा है और लहंगा भी अच्छा है, तीनों ही चीज़ अच्छी है। और लहंगे में कैन मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। इस चोली के ऊपर देखिए सिक्वेंस वर्क हो रखा है तो वो बहुत प्यारा लग रहा है सिक्वेंस वर्क। इस चोली का बस्ट साइज इन्होंने 40 इंच दे रखा है तो 40 इंच बस्ट वालों को ये आराम से आ जाएगा। और इसकी लेंथ इन्होंने 13.5 इंच दे रखी है तो इससे शॉर्ट चोली बनेगी, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिचिंग में आएगा। इस ब्लाउज का फैब्रिक बेंगलोरी सिल्क है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और ये स्लीव्स का फैब्रिक है, आप देख सकते हैं स्लीव्स में इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी आएगी तो ये भी अच्छी लग रही है, इससे शॉर्ट स्लीव्स बनेंगी। ये बैक साइड है ब्लाउज का और आप देख सकते हैं बैक साइड में जो नेक का लेंथ है वो 10 इंच दे रखी है, बैक में भी अच्छा वर्क हो रखा है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और पीछे हुक लगेंगे इसमें, देखिए पीछे हुक के लिए भी इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है तो ये बैक साइड हुक लगेंगे इस ब्लाउज में। तो मुझे ये लहंगा बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप इस लहंगे को ले सकते हैं। आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।